Hello friends, today we are starting our new lecture and the topic name is comparator. This topic belongs to the unit number 2 and name is standards and comparator. Total weightage of this topic in MSBT exam is 10 marks as per 70 marks paper, but if we consider with excess question, this unit will have been come for up to 15 marks. So let's start today's topic. So before proceeding today's topic, just take a quick review of previous lecture. In previous lecture, we have studied understand concept of slip gauges, define ringing and understand how to run slip gauges. Third topic is choose correct slip gauge set as per requirement, and next one is study slip gauge threads. So today's learning outcome, after studying this topic, students are able to use the different types of comparators. Students are able to use different types of comparator. Explain the construction and working principle of the given comparator. Third one is select the comparator and slip gauge for the given job and identify the parts of the comparators. Next, today's program outcome. So let's see, by today's lecture we have satisfied or we have learned our PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9, PO10 and PSO2 and PSO3. PO5, 6, 7 and PSO1 not applicable for our today's topic. So let's see next slide. So our today's topic is comparator. So let's, what is mean by comparator? Let's see here. A comparator is a precision instrument employed to compare the dimension of a given component with a working standard. It does not measure the actual dimension but indicate how much it differs from the basic dimension. So friends, comparator ye jo instrument hai, ye jo ye basically direct dimensions ko check nahi karta, ye kya karta hai, do dimensions ko compare karta hai. To yahan dekhiye, hum logon ne diagram diya, ye sigma comparator hai. जो मैकेनिकल कंपैरेटर के फॉर्म में आता है, ये डायल इंडिकेटर कंपैरेटर है, ये भी मैकेनिकल कंपैरेटर, ये ऑप्टिकल कंपैरेटर है, इसका नाम है ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर, जो कि ऑप्टिकल कंपैरेटर के इसमें आता है क्लासिफिकेशन में. तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग कंपैरेटर की बात करें तो कंपैरेटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है. अभी हम लोगों ने देखिए, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, मेट्रोलॉजी में हम लोगों ने देखा है कि हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना. तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट हमें आंसर्स देते हैं. हम एक अननोन क्वांटिटी के साथ उनको कंपेयर करते हैं, मार्क करते हैं, मैच करते हैं और वहां से हमें एक डायरेक्ट आंसर मिलता है. लेकिन कंपैरेटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये कभी भी आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देगा, बल्कि ये कंपेरिजन के काम में आता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो ये सिग्मा कंपैरेटर है, हमें सबसे पहले इसको क्या करना होता है, जीरो पे सेट करना होता है. तो ये बीच में देखिए, यहाँ पे गैप दिख रहा है, इस गैप में हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं. जैसे हमें अगर एक शाफ्ट मेजर करना है 10 mm का, जिसका डायमीटर है 10 mm, तो हम लोग उसको यहाँ पे रख के देखेंगे कि वो डायमेंशन आ रहा है या नहीं आ रहा. तो ये शो कैसे करेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक 10 mm का स्लिप गेज लेना पड़ेगा, वो यहाँ पे रखना पड़ेगा. और ये देखिए, ये जो पॉइंटर दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉइंटर को उससे टच करना पड़ेगा. तो इस प्लंजर बोलते हैं इसको, ये प्लंजर को टच करना पड़ेगा, टच करके उस पर कुछ प्रेशर अप्लाई करके, तो यहाँ पे जो पॉइंटर्स है ये डिफ्लेक्ट होंगे. ये डिफ्लेक्ट होकर हमको सबसे पहले क्या करना है, उसको जीरो पे लेके आ जाना है. फिर हम लोग क्या करेंगे, अब ये जीरो पे आया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो प्लंजर है और ये नीचे टेबल है, इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 10 mm का. फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्लिप गेज को हटा देंगे और फिर वहां पे जॉब रखेंगे. तो जॉब आपको ये दिखाएगा कि वो 10 mm से कितना ज्यादा है या कितना कम है. ये क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है दोस्तों. समझ में आया, आगे बढ़ते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स. इसका नाम है स्टेट रिक्वायरमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कंपैरेटर और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर बेसिकली एक ही इसमें आ जाते हैं.
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से आता है ये, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कंपैरेटर, ये एमएसबीटी एग्जाम में आता है 4 मार्क्स के लिए। सो पहला देखिए, इसका पहला क्या है, इट शुड बी इजी टू हैंडल, मतलब कोई भी कंपैरेटर अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो आसानी से हैंडल होना चाहिए, हम आसानी से यूज कर सके। इट शुड गिव क्विक रिजल्ट एंड क्विक रिस्पॉन्स, उसमें रिस्पॉन्स जो है या रिजल्ट है वो क्विक होना चाहिए, जिसके हम लोगों ने सेंसिटिविटी टॉपिक पढ़ा था इसके पहले सेंसिटिविटी टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि हम लोगों ने थर्मामीटर का एग्जाम्पल लिया था, तो एनालॉग थर्मामीटर बहुत समय लगाता है और डिजिटल थर्मामीटर क्विक रिजल्ट देता है, तो हमें हमेशा कंप्यूटर ऐसा होना चाहिए जो क्विक रिजल्ट या क्विक रिस्पॉन्स दे। थर्ड है, इट शुड बी रिलायबल व्हाइल, वो भरोसे, रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, कोई भी आप जब इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो तो आपको उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग प्रेस यूज कर रहे हैं, तो प्रेस अगर यूज करते तो आपको करंट लगने का डर अगर है तो आप यूज करोगे क्या, उसको नहीं करेंगे, इसलिए कैसा होना चाहिए, वो रिलायबल, भरोसेमंद। इट्स वेट मस्ट बी लेस, उसका वजन बहुत कम होना चाहिए जिसको आसानी से हम लोग यहाँ से वहां उसको मूव कर सकते। इट मस्ट बी पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब होता है छोटा, कि जितना छोटा इंस्ट्रूमेंट हो उतना हैंडलिंग करने में आसानी होगी। इट मस्ट बी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, वो आसानी से मार्केट में वो इंस्ट्रूमेंट यूज अवेलेबल होना चाहिए, उसको अगर मेंटेनेंस करते तो उसके जो पार्ट्स है वो भी इजीली मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। इट शुड बी सेंसिटिव एज पर रिक्वायरमेंट, ये देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है एज पर रिक्वायरमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव तो होना चाहिए, टेम्परेचर सेंसिटिव तो होना चाहिए, पर वो इतना भी सेंसिटिव नहीं होना चाहिए कि आप उसको सेट ही ना कर पाओ, तो एज पर रिक्वायरमेंट वो सेंसिटिव होना चाहिए। इट शुड बी रोबस्ट इन डिजाइन, रोबस्ट मतलब थोड़ा सा स्टर्डी होना चाहिए, स्टर्डी मतलब जैसा कभी कभी हम लोग हैंडलिंग में उसको रफली हैंडल करते तो वो रफली हैंडल करने की वजह से खराब ना होना चाहिए, इसलिए इसको बोला गया है रोबस्ट इन डिजाइन। इट शुड हैव लेस मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस कम से कम होना चाहिए। इट शुड बी लीनियर इन स्केल सो दैट इजी टू रीड एंड गेट यूनिफॉर्म रिस्पॉन्स, इसका स्केल जो होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए जिससे हम उसको आसानी से पढ़ सके और हमें रिस्पॉन्स जो मिले वो यूनिफॉर्म मिले। इट शुड हैव हार्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ लॉन्गर लेफ्ट, सो देखिए बेसिकली कंपैरेटर्स जो यूज किए जाते हैं वो प्लंजर रहता है उस पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो अगर हार्ड रहेगा तो वो एरर उसमें नहीं आएगी और लॉन्ग लाइफ तक वो हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। फ्रेंड समझ में आया ये टॉपिक, तो हम आगे बढ़ते हैं। नीड ऑफ कंपैरेटर, कंपैरेटर की जरूरत क्या है। इन मास प्रोडक्शन आइडेंटिकल कंपोनेंट पार्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, टू अचीव इंटरचेंजेबिलिटी दिस पार्ट शुड बी प्रोड्यूस टू द क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस, यहाँ कह रहा है कि मास प्रोडक्शन में अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स हमको बनाना पड़ता है और वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट, टू अचीव इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जैसा है कि हम लोगों ने लाइट और होल्डर का एग्जाम्पल लिया था कि होल्डर अलग कंपनी बनाती है, लाइट अलग कंपनी बनाती है और हम उसको इंटरचेंज मतलब एक दूसरे के साथ फिट करते हैं, तो टू अचीव इंटरचेंजेबिलिटी दिस पार्ट शुड बी प्रोड्यूस विद क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस, तो वो अच्छे से प्रॉपरली फिट होने चाहिए, इसलिए उनके डायमेंशन कैसे होने चाहिए, क्लोज टॉलरेंस के होने चाहिए। एज अ रिजल्ट इंस्पेक्शन इज ऑफन मोर कंसर्न विद द डायमेंशनल वेरिएशन, सो इस वजह से क्या होता है इंस्पेक्शन भी हमें डायमेंशनल वेरिएशन के साथ में बहुत ही हाई कंसर्न रहता है, फॉर द स्टैंडर्ड और बेसिक डायमेंशन ऑफ द पार्ट। टू दिस एक्सटेंट इंस्पेक्शन बिकम अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग मैन्युफैक्चर पार्ट टू द मास्टर पार्ट इमेजिन बाय द डिजाइनर, तो सो ये हमको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो जॉब बन रहा है उसको एक मास्टर पार्ट के साथ में मैच करते हैं, इमेजिन करते हैं मतलब मैच करते हैं और देखते हैं कि वो मास्टर पार्ट से कितना डिफर है। तो यहाँ मास्टर पार्ट फॉर एग्जाम्पल देखिए स्लिप गेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास्टर पार्ट रिंग गेज है, स्लिप गेज है, दीज आर द मास्टर पार्ट, और जो हम लोग जॉब बनाते हैं वो हो गया हमारा मैन्युफैक्चर्ड पार्ट। तो समझ में आया फ्रेंड्स, नीड्स ऑफ कंपैरेटर, मास प्रोडक्शन होने की वजह से हमें कंपैरेटर्स का यूज बेसिकली करना होता है। यूजेस ऑफ कंपैरेटर, कंपैरेटर आर यूज एज अ लेबोरेटरी स्टैंडर्ड, क्या के लिए यूज करते हैं उसको, एज अ लेबोरेटरी, हम कंपैरेटर को ज्यादातर शॉप फ्लोर पे यूज करते नहीं है, इसको बेसिकली लैब्स के अंदर ही यूज किया जाता है। Use as a working gauge to prevent work spoilage and maintain required tolerance at all important stages of manufacturing. Manufacturing करते समय samples collect किए जाते हैं और उसको फिर check किया जाता है और देखा जाता है कि वो as per dimension बन रहे हैं या नहीं बन रहे। Use as a final inspection gauge.
फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद हमें जब फाइनल आंसर देना होता है तब भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। यूज एज अ रिसीविंग इंस्पेक्शन केस फॉर चेकिंग पार्ट इशू फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। रॉ मटेरियल चेक करने में के समय भी कंपैरेटर्स का यूज होता है फॉर चेकिंग न्यूली परचेस गेजेस। जो हम लोग नए गेज यूज चेक करते हैं यूज करते हैं उसको भी चेक करने के लिए कंपैरेटर का यूज होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपैरेटर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैकेनिकल कंपैरेटर। सबसे पहला टॉपिक हमारा मैकेनिकल कंपैरेटर और बेसिकली ब्रॉडली इंडस्ट्री में यही सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो इसमें पहला है डायल इंडिकेटर, सिग्मा कंपैरेटर, रेड टाइप मैकेनिकल कंपैरेटर और जॉनसन माइक्रोकेटर। ये चार टाइप के मैकेनिकल कंपैरेटर है। इसमें से ज्यादातर आपके एग्जाम्स में डायल इंडिकेटर और सिग्मा कंपैरेटर ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका डिटेल एग्जामिनेशन या डिटेल स्टडी हम लोग आगे के वीडियोज में पढ़ेंगे। दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर। इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर को दोस्तों ये भी कहा जाता है द कंपैरेटर हैविंग हाईएस्ट मैग्निफिकेशन। तो इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर में आता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ये भी हमें आगे पढ़ना है। थर्ड है न्यूमेटिक कंपैरेटर। न्यूमेटिक कंपैरेटर में होता है सोलेक्स कंपैरेटर वगैरह आता है इसके अंदर, एक मैनोमेट्रिक टाइप कंपैरेटर आता है और लास्ट है ऑप्टिकल कंपैरेटर। तो ऑप्टिकल कंपैरेटर में आता है दोस्तों ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर। देखिए फ्रेंड्स कंपैरेटर का बेसिक पर्पस तो होता है कि कंपेयर करना। ये क्या करता है दो डायमेंशंस को कंपेयर करता है। कंपेयर करता है मतलब एक डायमेंशन होता है मास्टरपीस पे और दूसरा डायमेंशन होता है वर्कपीस पे, जो हम लोग मैन्युफैक्चर बनाते हैं पार्ट को उसका डायमेंशन। मास्टरपीस ऑलरेडी बना होता है और हम उसको अज्यूम करते हैं कि ये ओके है और उसको हम लोग कंपेयर और वर्कपीस जो हम लोग प्रोडक्शन फ्लोर पे या शॉप फ्लोर पे बनाते हैं उसको कहा जाता है मैन्युफैक्चर्ड पार्ट या मैन्युफैक्चर्ड वर्कपीस। इन दोनों हम मैन्युफैक्चर्ड वर्कपीस को मास्टर वर्कपीस के साथ में कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटर्स। तो ये कंपेयर तो करता है लेकिन इसमें एक और चीज होती है, ये मैग्नीफाई करता है। मैग्नीफाई करता है मतलब क्या कि ये क्या होता है ना, ये जब दोनों को कंपेयर करता है तो वेरिएशन बहुत ही माइनर होते हैं, माइक्रॉन्स में होते हैं, जो कि हम लोग अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते। तो ये कंपैरेटर का एक और काम होता है कि ये मैग्नीफाई करता है। तो कंपेयरिंग एंड मैग्नीफाइंग ये दो प्रोसेस कंपैरेटर्स में बेसिकली फ्रेंड्स की जाती है। मैग्नीफाइंग करके वो जो छोटे छोटे डायमेंशन है उसको रीडेबल फॉर्मेट में बड़ा करता है। ये हम लोग आगे देखेंगे कैसे करते। तो नेक्स्ट है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल कंपैरेटर। सो द मैकेनिकल कंपैरेटर यूटिलाइज मैकेनिकल मेथड फॉर मैग्नीफाइंग द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट प्लंजर ब्राउट अबाउट ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल डायमेंशन बीइंग चेक। जैसे मैंने भी आपको बताया तो हम लोग एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल मैकेनिकल कंपैरेटर का। तो मैकेनिकल कंपैरेटर में डायल इंडिकेटर या सिग्मा कंपैरेटर या बाकी जो दो हम लोगों ने बात की है एक टाइप मैकेनिकल कंपैरेटर है, तो इनका यूज किया जाता है एज अ मैकेनिकल कंपैरेटर। इनका काम होता है ये दो वर्कपीस को और मास्टरपीस इन दोनों के डायमेंशन को कंपेयर करता है और मैग्नीफाइंग करता है। द यूजुअल मैग्नीफिकेशन ऑफ मैकेनिज्म रेंज फ्रॉम 250 टू 1000। तो इसमें बेसिकली मैग्नीफिकेशन कितना करता है, 250 से लेके 1000 रुपए के। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक माइक्रोन अगर वो सेंस करेगा तो उसको वो दिखाएगा 1 mm। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि 1 mm के अगर 1000 पार्ट करते हैं तो उसमें का एक पार्ट होता है 1 माइक्रोन। तो अगर हमारे कंपैरेटर का रेंज 1000 है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर उसके प्लंजर ने 1 माइक्रोन सेंस किया बट वो स्केल पे दिखाएगा 1 mm, सो उसने कितने गुना बड़ा कर दिया उसको, 1000 गुना। मैकेनिकल मीन्स फॉर मैग्नीफाइंग द स्मॉल मूवमेंट ऑफ द मेजरिंग स्टाइलस। मैग्निफिकेशन ऑफ स्मॉल स्टाइलस मूवमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ लीवर गियर ट्रेन रैक एंड पिनियन एंड और कॉम्बिनेशन। तो मैकेनिकल कंपैरेटर में जो मैग्निफिकेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ लीवर्स होता है, गियर ट्रेन होता है, रैक एंड पिनियन और इनके कॉम्बिनेशन के थ्रू किया जाता है। तो मैकेनिकल कंपैरेटर इसके एडवांटेजेस है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आता है। इसके एडवांटेजेस है कॉम्पैक्ट एंड रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन। मैकेनिकल कंपैरेटर कैसा होना चाहिए, छोटा से छोटा होना चाहिए और स्टर्डी होना चाहिए, जब हम उसको इधर उधर अगर मूव करते हैं तो उसमें खराबी नहीं आनी चाहिए। सेकंड है इजी टू हैंडल एंड कैन बी सेट क्विकली, आसानी से हैंडल हो सके और उसको हम आसानी से सेट कर सकते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल पावर सप्लाई, इनको यूज करने के लिए एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। स्केल इन द लीनियर एंड यूनिफॉर्म, स्केल उसके कैसी होती है, लीनियर और यूनिफॉर्म। डिसएडवांटेज इसका है दोस्तों मोर फ्रिक्शन एंड वेयर ड्यू टू मोर नंबर ऑफ मूविंग पार्ट। मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं उसके अंदर वो वेयर एंड टेयर होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से उसमें एरर्स आना, जल्दी एरर्स आते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए लेस एक्यूरेसी, वो ये एरर की वजह से इसकी एक्यूरेसी भी
कम होती है, दे आर सेंसिटिव टू वाइब्रेशन, अगर ज्यादा वाइब्रेशन होंगे तो उसमें आंसर प्रॉपरली दिखेंगे नहीं, पैरालेक्स एरर आर इंट्रोड्यूस। पैरालेक्स एरर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों इसके पहले भी, सो मैकेनिकल कंपाउंड में ज्यादातर पैरालेक्स एरर भी आता है। रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज लिमिटेड, रेंज के बारे में जैसे हम लोगों ने थर्मामीटर की बात की थी, 0 से 100 डिग्री का थर्मामीटर होता है तो हम 200 डिग्री के सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को चेक नहीं कर सकते उससे, तो वैसा यहाँ पे भी रेंज जितने होंगे उतना ही डायमेंशन वो चेक करेगा, उसके बाहर के डायमेंशन चेक करेगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है दोस्तों, हम लोग आज क्या क्या पढ़े वो रिवाइज करेंगे। हम लोगों ने आज देखा व्हाट इज कंपैरेटर, नीड ऑफ कंपैरेटर, रिक्वायरमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कंपैरेटर, यूजेस ऑफ कंपैरेटर एंड टाइप्स ऑफ कंपैरेटर। नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन बैंक, और ये एज अ असाइनमेंट भी रहेगा आपको, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आपकी बुक्स में। डिफाइन कंपैरेटर, स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपैरेटर, लिस्ट 4 मैकेनिकल कंपैरेटर, स्टेट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मैकेनिकल कंपैरेटर, स्टेट एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑप्टिकल कंपैरेटर्स, प्रोग्राम आउटकम अचीव्ड। आज के टॉपिक को हम लोगों ने क्या किया, प्रोग्राम्स आउटकम अचीव किए दोस्तों, PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9, PO10 और PSO2 और PSO3। तो थैंक यू, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कंपैरेटर का ही नया टॉपिक, डायल इंडिकेटर। थैंक यू वेरी मच।